नाच कम हो गया। चलो मैडम किधर है? गाना तो बहुत अच्छा था और अभी वीडियो भी देख लिया है तो अच्छा लग रहा है। मतलब जो मेहनत सबने की है फाइनली पर्दे पर देख के ऐसा लग रहा है कि सफल हुई है एंड इट्स ब्यूटीफुल। इट्स समथिंग कि आप सबको दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि हमने ये वीडियो किया है। एंड जब ऐसा कोई काम होता है तो इट्स ऑलवेज सैटिस्फाइंग फीलिंग भी होती है और एक आपको लगता है कि सही रास्ते पर हुआ। रुस्तान जी, आप दर्जन वर्ष से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, तो जब म्यूजिक एल्बम्स आपके पास आते हैं तो आप क्या देखकर उन्हें सुनते हैं या ऑब्वियसली जो गाना होता है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई भी गाना सुनते हो तो यू शुड गेट अ फीलिंग कि यार लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, तो एक पर्सनल चॉइस भी होती है। तो जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा कि आई लाइक इट। अभी लोगों को अच्छा लगे ना लगे वो तो उनके ऊपर है, बट जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप खुद के लिए भी करते हैं, एटलीस्ट आई विल इन्जॉय द एक्सपीरियंस। तो मैंने ये गाना तो उस बेसिस पर चुना है कि आई रियली लाइक द सॉन्ग। एंड फिर जो जहाँ पर हम शूट करने वाले थे वो भी बहुत खूबसूरत जगह है एंड इट जस्ट वर्कड आउट वेरी वेल। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बेटर है। शारणी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? शूटिंग के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहले तो मैं सीरियसली डर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है, लेकिन टीम इतनी अच्छी थी कि सबने मुझे सपोर्ट किया और ऑडियो तो था ही। और अभी देखने के बाद लगता है कि हम लोग की सबकी मेहनत सफल हुई है, बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को गाना बहुत पसंद आएगा और वरदान भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है और बहुत अच्छी वॉइस है सर। तो बॉलीवुड के जाने माने वरदान जी से हमारा सवाल है कि बच्चन साहब के साथ भी आपका आप फिल्में कर चुके हैं, उनके लिए गाने आप गा चुके हैं उनकी फिल्मों के लिए, तो इश्क तेरा बहुत मीठा को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके लिरिक्स कैसे मन में आए या कैसे इसकी शुरुआत हुई? पहले तो बता दूँ जो लिरिक्स राइटर हमारे उनका नाम है अजीम शिराजी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है मेरे लिए। और किसी भी गाने में मेरे अकॉर्डिंग किसी भी गाने में जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वो होता है गीत, उसके बाद हम संगीत बनाते हैं। और टीम वर्क है, गाना सबको बहुत पसंद आ रहा है और शूट बहुत अच्छा हुआ है। हमारे एक्टर रसलन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, शालिनी जी ने चार चांद लगा दिए और आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ है ही नहीं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है, तो मेरे लिए तो एक मूवी है, ये सॉन्ग नहीं है। खुद को स्क्रीन पे देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो
मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ आज मैं। जी जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो जब टीम सपोर्ट करती है तो आपका शूट भी अच्छे से होता है और हमारी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी और रुस्लान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब आपका को एक्टर आपको सपोर्ट करता है तो शूट तो अच्छा ही होता है। शालिनी जी मन से भी बहुत खूबसूरत हैं, तो हम सब ने अपना 100% इनके लिए किया है, तो आज वो दिख भी रहा है पर्दे पर और शायद गाना बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। मैं इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ा मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो शालिनी मेरी फ्रेंड रही है काफ़ी सालों से, और तो वो कहती थी कि कुछ ना कुछ करेंगे, एंड फाइनली उन्होंने मुझसे कहा कि एक म्यूज़िक वीडियो है, आप करोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ, आप मुझे बता दीजिए क्या है, डिटेल्स क्या है। तो उन्होंने गाना भेजा, मैंने बोला वेरी नाइस सॉन्ग। तो फिर बोलती है कि अच्छा, इस वीडियो में ना मैं आपके ऑपोजिट हूँ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे नहीं यार, अगर आपको मतलब मौका मिल रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। एंड दैट इज़ हाउ दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड। फिर ऑब्वियसली ये इनका पहला प्रोजेक्ट था ऑन स्क्रीन, तो एज एन एक्टर मुझे भी पता होता है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो कैसी फीलिंग होती है, डर भी लगता है, नर्वसनेस भी होती है। तो आई जस्ट मेड श्योर कि मेरी तरफ से इनको सपोर्ट हो, क्योंकि को एक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब रोमांटिक सॉन्ग हो या रोमांटिक सीन हो, कि आप अपने एक्टर के साथ कितने कंफर्टेबल हो। एंड क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे गाने किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि क्या रहेगा स्क्रीन पर, क्या नहीं रहेगा, कितना प्रेशर लेना चाहिए, किन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। तो वो जो भी एक्सपीरियंस था मैंने इनके साथ शेयर किया, बिकॉज एट द एंड ये ज़रूरी नहीं था कि मैं इस गाने में कैसा लगता, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि शालिनी इस गाने में अच्छी दिखती और अच्छा काम करती, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर इनके लिए बहुत ज़्यादा है। वरदान जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट से कितना हाइक मिलेगा या कितना बेनिफिट मिलेगा या कितना सी ऑनेस्टली जो आर्ट होता है एज एन ऑडियंस, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये देखते हैं कि म्यूज़िक किसका है, नाम ज़रूरी नहीं होता, पहले तो जो आप देख रहे हो विजुअली, आप सुन रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एवरी प्रोजेक्ट, एवरी सॉन्ग हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी, और इस गाने को जहाँ तक पहुँचना है वो ज़रूर पहुँचेगा। इन्होंने बहुत खूबसूरत गाना बनाया है, हमने कोशिश करके विजुअली भी उसे अच्छा बनाने की कोशिश की है। And now rest is left to God, left to the audience. और एक चीज़ बता दूँ, कोई भी पहले इन लोगों ने आपको ऑफर किया या कैसा क्या रहा वो, कैसे इन्होंने अप्रोच किया कैसे आपने? नहीं, शालिनी जी ने जब मुझे अप्रोच किया एक रोमांटिक सॉन्ग के लिए, और जब मैंने इन्हें पहला ही गाना ये सुनाया और फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग अप्रूव किया इन्होंने, फिर शायद अपने पेरेंट्स को सुनाया, फिर रसलान साहब को भी शायद सॉन्ग, और सबको अच्छा लगा। तो फिर मेरा काम था कि एक सॉन्ग को कितना और इन्हेंस किया जाए, कितना खूबसूरत और बन जाए। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा कि कोई भी गाना केवल गाने से खूबसूरत नहीं होता है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है खूबसूरत होना, तो इसका वीडियो भी बहुत अच्छा है और रिजल्ट अब आपके सबके सामने और अच्छा लग रहा है सबको गाना। शालिनी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे आपने अप्रोच किया और क्या रिएक्शन रहा, पहला रिएक्शन क्या रहा? मैंने तो जैसे वरदान भाई ने मुझे सुनाया ही था गाना, मैंने इनको उसी दिन बोला था कि गाना मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इस पे शूट करना है, क्योंकि मैं बचपन से रोमांटिक मूवीज़ देखती हूँ, रोमांटिक गाने ही सुनती हूँ, तो मुझे भी था कि मैं फ़र्स्ट म्यूज़िक सॉन्ग करूँ तो वो रोमांटिक ही हो। तो भैया ने मुझे एक सैड सॉन्ग भी सुनाया था, लेकिन मैंने बोला वो बाद में करेंगी। हर आर्टिस्ट का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, तो शालिनी आप बताएं कि आपका कंफर्ट जोन कौन सा है, रोमांटिक सेट, एज ए एक्टर आप कौन सा एक रोल ज़्यादा अच्छे से प्ले कर सकती है, या आपकी इच्छा है कि आप उस रोल को प्ले किसी जोनर में? मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से रोमांटिक मूवीज़ देखती हूँ, सॉन्ग सुनती हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं रोमांटिक ही सब कर रोमांस की दुनिया में। मेरे साथ में एक को सिंगर है हमारी, इनका नाम है तृप्ति सिन्हा, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने गाना, मैं उनका नाम भूल रहा था, शायद होंगी तो उन्हें भी मिला है।
और कुछ आप कह रहे थे वो मैं बीच में टोक जी हाँ बताएं हाँ नहीं कुछ आप कह रहे थे उसको कंटिन्यू करिए नहीं नहीं गाना खूबसूरत है आप पूछे कुछ अब यही चाहेंगे कि कुछ व्यूवर से अगर आप अपील करना चाहें कि क्या देख रहे हैं जो देख मैं कुछ चंद लाइनें गा देता हूँ उसके बाद फिर हीर मेरी तू बन जा रे मैं बन जावांगा राजा चल पतंग मेरी तू बन जा रे मैं बन जावांगा मांझा तेरा इश्क बहुत मीठा है मैंने चखे देखा है तू ही मुझको जचता है बाकी में क्या रखा है तृप्ति जी कम 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 एक्चुअली थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल वरदान भाई बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव दैट आई कैन सिंग सॉन्ग्स बट ही हैज कंपोज इज ऑलवेज देयर टू आस्क मी टू सिंग फर्स्ट तो थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस लवली कॉम्पोजिशन एंड बिलीविंग पर्सनली तो ये गाना मैंने उनके लिए गाया जाके जब तो उन्होंने मुझे बताया कि रोमांटिक सॉन्ग है और तो लवली लिरिक्स बाय अजीम भाई अजीम शिराजी भाई एंड ब्यूटिफुल pretty looking Shalini ji and definitely Ruslan ji is like one of the definitely amazing actor you know so it was really really nice to sing and very happy late aane ki kuch khaas wajah I was not late I was there outside wo video dekh rahi thi baat aap kuch kehna chahenge Shalini ji मैं तो रफ़ी से फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मैंने कल ही नंबर मांगा कि प्लीज़ मुझे सेंड करो और मतलब मैं सीरियसली बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरी वॉइस तो इन्होंने ही दी है थैंक यू सो मच ये बहुत ही देखो ये बहुत ही रोमांटिक गाना है एंड जो एटलीस्ट देखो मैं लड़का हूँ तो मैं तो इनके वॉइस पे ही परफॉर्म कर रहा था एंड एज अ परफॉर्मर जब आप परफॉर्म करते हो तो वैन किसी ने अच्छा गाया होता है ना तो उसका भी एक मज़ा आता है एंड आई थिंक मैंने गाना इन्जॉय किया है तो विजुअली भी वो दिखता है अगर आप नहीं इन्जॉय कर रहे हो तो वो भी शायद दिखता होगा तो आई रियली इन्जॉयड इट क्योंकि मैं एक्चुअली गाता हूँ जब मैं परफॉर्म करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गाता हूँ या मैं लिप सिंग कैसे लिप हिलाता हूँ आई नो द सॉन्ग एंड आई एक्चुअली सिंग इट लाउडली ऑन सेट तो यू नीड टू इन्जॉय द सॉन्ग एंड ये ऐसा गाना है कि एवरीथिंग फेल इन टू प्लेस परफेक्टली आवाज़ें भी परफेक्टली सूट होती है तभी जो कंपोजर होता है वो अप्रूव करता है आप वीडियो देखिए आपको फील हुआ कि रसला नहीं गा रहे और मैं एक बात बताना चाहती हूँ पहले रसला ने मना किया था कि आजकल कोई लिप्सिंग नहीं होता है सीरियसली मुझे मना किया था फिर जब मैं गाना शूट कर रहा था तो फिर धीरे धीरे बोलने लग गया कि अच्छा क्या हुआ कि नॉर्मली जो मैंने बाकी के वीडियो शूट किए हैं तो सिर्फ विजुअल्स शूट किए हैं और बैकग्राउंड में गाना चल रहा था सिर्फ मोमेंट्स थे तो मुझे लगा कि ये आजकल का यही चल रहा है लिपसिंग तो मतलब थोड़ा सा पुराना स्टाइल हो गया तो डायरेक्टर ने बोला कि रुस्लान ऐसा करते हैं कि आधा लिपसिंग करते हैं आधा जैसा बोल रहे हो उस हिसाब से करते हैं तो आधा पहले शूट किया मुझे इतना मज़ा आ रहा था लिपसिंग करके और फिर मैं जब देखता था शॉट तो मुझे लगा कि पूरा लिपसिंक ही करना है मैंने बोला कि सर हम पूरा ही कर लेते हैं हाँ क्रेडिट गोस नो इट इज़ ट्रू मतलब वो जो आवाज़ भी थी ना वो मुझे ज़्यादा ऐसा देख के लग रहा था कि यार हीरो लग रहा हूँ मैं नहीं तो हीरो हाँ नहीं ऐसा लग रहा था कि यार हीरो है तो फिर मैंने बोला कि सर फिल्म आई थी उस जमाने से मैं फैन हूँ इनका तो मैं चाहता था कि मैं जैसे कैमरा से कैमरा तक उनका बड़ा फैन हूँ नया हीरो लॉन्च हुआ था पूरी टीम नहीं थी MP3 आई थी तो मुझे लगता था यार मेरा ड्रीम था कि यार ऐसे हीरो के लिए मैं गाऊँ करके गाना उस वक्त आई थी वो कितना वो तो हो नहीं पाया दस्तन अब मिले गाके बड़ा अच्छा लगा ये तो बहुत मजा आया तो भैया मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए अरे थैंक्स टू यू ओनली ये सारा जो क्रेडिट है जो पूरा या जो पिरोया गया है उसकी सारी देन है बिल्कुल इन्होंने ही इस गाने को पिरोया है आज जो हम यहाँ आए सृष्टि को खास करके इस गाने में तृप्ति हाँ करके को इस गाने में कुछ वजह इसकी
प्रीति जी बहुत ही खूबसूरत गायिका हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं एज अ सिंगर। तो इस जो मेरा सॉन्ग है उसको सूट कर रही थी इनकी वॉइस, दैट्स द रीज़न। चलिए कुछ अपील करना चाहेंगे अपने व्यूअर से। यहाँ आए वुड लाइक टू डेफिनेटली प्लीज आप सुनिए इस गाने को, इन्जॉय करिए, बिकॉज इट्स रोमांटिक सॉन्ग, यंग सॉन्ग विथ यंग स्टार्स। तो और इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन लिरिक्स अजीम भाई हमारे कहाँ हैं पता नहीं कहाँ या तो अजीम भाई ने ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट वी हैव। तो इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन, इतना अच्छा गाना, वी डेफिनेटली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज हियर इट आउट एंड एन्जॉय, और जितना लाइक शेयर करें और जितना पसंद करें अपना प्यार। हाँ मैं तो यही बोलूँगी कि मेरा तो प्लीज़ फर्स्ट सॉन्ग है, प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत प्यार दीजिए, और रुस्लान को तो आप 15 साल से पसंद करते हैं, अब मुझे भी पसंद करिए एज ए एक्टर। और थैंक यू भैया फिर से वरदान जी। आई एम वेरी मॉडेस्ट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सच है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं ये शादी जी की वजह से, आप बार बार ऐसा ना बोलें। और ये नहीं, आप अगर इतना अच्छा वॉइस नहीं देते तो, और सबने अपना बहुत अच्छा काम किया है, और अमूमन मैं गाने करता ही रहता हूँ, रुस्लान साहब भी हमेशा, इनका भी मैं देखता हूँ, हर महीने 2-3 गाने इनके आते ही हैं। तो किसी को ऐसा नहीं, किसी को काम की कमी नहीं, बट सब ने इस गाने में अपना 1000% दिया है, और शालिनी जी प्लीज़ ये आपके लिए हुआ है, और गाना बहुत अच्छा बना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने इसे और शेयर करें। बस मैं भी यही कहूँगा कि गाना अच्छा बना है, गाना ऑडियो बहुत खूबसूरत है, विजुअल भी अच्छा बना है, तो वॉच द वीडियो, शेयर इट लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, एंड जो कमेंट सेक्शन है नीचे वहाँ पर कमेंट्स भी छोड़िए, हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको देख कर सुन कर कैसा लगा। अजीम भाई भी आ गए हमारे लिरिसिस्ट, और खूबसूरत चेहरे भी हैं यहाँ आपके सामने ही, आप देख रहे हैं। मर्दान भाई बहुत कमाल के कंपोज़र हैं, और उससे पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाई हैं, और हमने बहुत सारे गाने किए हैं एक साथ, काफ़ी हिट गाने साथ में किए हैं हमने, और यहाँ तक का सफ़र इश्क बहुत मीठा है, अभी कितना मीठा है आप लोग बताएंगे। बिल्कुल मिठास तो इन दोनों ने भर दी है, वो मिठास की लज्जत आप लोग बताएंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आप सभी को आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछना चाहूँगा, ओम प्रकाश जी चौहान साहब से, कि इस गाने के निर्माण में क्या भूमिका रही आपकी, और आगे भविष्य में, निकट भविष्य में किस तरह से आप अपने इस प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, किस तरह से आप काम करना चाहेंगे? भूमिका रही कि मेरे देखा अगर बेटी में टैलेंट है तो उसको मैंने उसको प्रयास किया कि उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, अब तक ये प्रयास करती रही थी, संघर्ष कर रही थी, किंतु उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। तो माँ बाप से अच्छा कोई नहीं होता जो बच्चों की प्रतिभा के बारे में जानता हूँ। डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सर पूरी टीम के साथ काम करके आपको कैसा लगा, इस इश्क तेरा मीठा है गाने की शुरुआत कैसे हुई, आखिर ये कैसे आगे बढ़ा, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये गाना करना चाहिए? ये जब गाना मेरे को शालिनी ने सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है मुझे मिला है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको अच्छा विजुअल, फिर हमने उस पर काम किया, रिजल्ट आपके सामने। जी बहुत अच्छा सुंदर गाना है। तो गाना कहाँ शूट किया गया और टीम को आपने कैसे कोऑर्डिनेट किया, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? गाने के लिए हम लोग ने काफ़ी लोकेशंस देखे जी, बट अल्टीमेटली हमको भिवंडी में एक लोकेशन है, सेट्स इन द सिटी, वहाँ हमको हमारे पसंदीदा लोकेशंस मिले, फिर वहाँ हम लोग ने जाके शूट किया। शालिनी ने एज ए डेब्यूटेंट बहुत अच्छा काम किया, रुस्लान तो बहुत अच्छा एक्टर है ही, ईशाक ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया, पूरी टीम ने मिलके बहुत है, एक टीम वर्क होता है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है, और आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना जी, बहुत अच्छा बना है। किसी भी सिनेमा निर्माण में सबसे अहम भूमिका डायरेक्टर की होती है, और गाने में
अगर हम बात करें तो कोरियोग्राफर का भी बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो सर आप बताएं कि जब आपने गाना सुना तो आपके माइंड में किस तरह के आइडिया आ जाए कि इसको किस तरह से शूट करना चाहिए, क्या प्लानिंग की आपने इसकी? पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, शालिनी जी से, फिर उन्होंने मुझे तरन जी से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया, तो गाना सुनते ही मेरे विजुअल्स बहुत स्टैटिक आने लग गए और बहुत ही ग्रेंज विजुअल आने लग गए कि गाने को किस तरह से हमें शूट करना है, किस तरह इन्हें प्रेजेंट करना है स्क्रीन पर। तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड तरंग सर ने जो मुझे बताया स्टोरी, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो काम हमने शुरू किया साथ में, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। शालिनी जी, एक एक्टर का जो टीम के डायरेक्टर हैं या कोरियोग्राफर हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपका डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के साथ में अंडरस्टैंडिंग कैसी रही? वो कई कई बार आपको समझाया भी होगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा शूटिंग के दौरान जो डायरेक्टर साहब ने या कोरियोग्राफर साहब ने आपको निर्देश दिए? तरंग सर को तो मैं 4 साल से जानती हूँ, एक्चुअली मैंने उनको असिस्ट किया है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ, तो तरंग सर तो मेरे फैमिली जैसे ही हैं। तो और मेन यही था, मैं चाहती थी कि मेरा जब भी कोई पहला शूट हो, गाना हो, वही डायरेक्ट करें, इसलिए मैंने तरंग सर को ही बोला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। विशाल सर को मैं फ़र्स्ट टाइम मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं उनको भी बहुत साल से जानती हूँ, और शूट के स्टार्टिंग में मुझे एक बार को लगा कि सर मेरे को डांटेंगे क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस थी, पहला फर्स्ट शूट था और रुस्लान के अपोजिट कर रही थी, तो माइंड में ऐसा था कि मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगी, बट सर ने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो और सर ने कराया और मैंने अच्छा किया, तो थैंक यू सर। थैंक यू। तो ईशान जी, जब आप आर्टिस्ट को बताते हैं आपके माइंड में जो थीम आता है उसको एक्सप्लेन करना और आर्टिस्ट से वो चीज़ें करवाना, ये कितना डिफिकल्ट रहता है? कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उस बारे में हमारे ऑडियंस को आपको बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आर्टिस्ट से तो कभी कई बार उनको समझ नहीं आता है कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था। यहाँ पे मैं उनको टेक्निकली भी करके बता रहा था, ओरली भी बता रहा था, तो शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड रुस्लान वॉज, तो वैसे भी उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है तो, लेकिन मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई इनके साथ एज अ फर्स्ट टाइमर लाइक, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव यू एज एन आर्टिस्ट। तो इसकी पहले कुछ रिहर्सल्स वगैरह भी रही या? जी, हमने रिहर्सल की थी, तो रिहर्सल भी मुझे पता लग गया था कि इनके अंदर वो चीज़ है, बट वो डर है, तो वो डर निकालने के लिए हमने इसको इनको बना दिया। अच्छा, हर कोरियोग्राफर का एक कंफर्ट जोन होता है या उनकी इच्छा होती है कि मैं उस तरह के गाने करूँ, जैसे कुछ डांसिंग मोमेंट होते हैं, कुछ सैड मोमेंट होते हैं, या कभी कभी कुछ स्टोरी को लेकर सोचते हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग रहती है या आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि किस तरह के गाने आप करना चाहते हैं या किए हैं, या आपके मन में इच्छा है कि उस तरह का कुछ अभी मिला नहीं या कर नहीं पाए, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एज ए कोरियोग्राफर आपको सब काम करना होता है, लेकिन हाँ, मैं जैसे गणेश आचार्य जी को मैंने असिस्ट किया है काफ़ी सालों, उनके साथ ग्रुप भी किया है, तो मुझे आइटम सॉन्ग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन सारे गाने मैं कर सकता हूँ। लेकिन सर ने मुझे बोला है कि तुम अभी आइटम मत करो, रोमांटिक सॉन्ग ही करो। हाँ, हमारा डिसाइड था क्योंकि हम पहले आइटम सॉन्ग करने वाले थे, बट मैंने बोला कि नहीं, उसमें डांस होगा, रिहर्सल्स काफ़ी मेहनत होगी, तो वो उसके लिए आप रुक जाओ पहले, तो हमने ये गाना फिर डिसाइड किया और हमने गाना शुरू किया। ठीक है सर, तो गाना हमारे सामने है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, ऑडियंस की आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑडियंस से आपकी कुछ रिक्वेस्ट है एज ए कोरियोग्राफर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, आप सबकी क्या आप कहना चाहेंगे ऑडियंस से, हमारे खुद क्या बात पहुँचाना चाहेंगे? रिक्वेस्ट तो यही है कि बहुत अच्छा मेलोडियस मधुर सॉन्ग है, उसके विजुअल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाइए, उनको शेयर कीजिए और जितना हो सके हमें प्यार दीजिए, आगे और भी हमें करना है, और भी गाने लाने हैं शालिनी जी के साथ। ओम प्रकाश जी ने पहली बार एक निर्माता के रूप में कदम रखा है, तो क्या सर आप आगे भी निर्माता के रूप में काम करना चाहेंगे और किस तरह प्रेरित करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, अब तो शुरुआत हो गई है, आगे ही बढ़ना है।
श्री गणेश हो चुका है, गणेश हो चुका है, आगे बढ़ना है, आगे करेंगे, अभी गाना किया है, मूवीज भी करेंगे, आगे कंटिन्यू प्लान कंटिन्यू चलता है। टीम अभी एक फैमिली बन चुकी है एक्चुअली। हां, जब तक टीम फैमिली ना हो तब तक काम अच्छा नहीं होता। टीम तैयार है पहले से ही, आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपका, साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच स्वाति जी, बहुत सुंदर आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। तो कब से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमारे दर्शकों को बताएं, और क्या क्या आपने अभी तक किया है वो सारा कुछ हम जानना चाहेंगे। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर प्लेजिंग अबाउट माई कॉस्ट्यूम। इट्स बिन ऑलमोस्ट 12 ईयर्स मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम TV, देन गॉट इट टू एड फिल्म्स एंड कीप डूइंग म्यूजिक वीडियो। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक वीडियो है जो मैंने किया है। ये मेरी दोस्त भी हैं और ये बहुत ही अच्छी एक्टर हैं, एंड आई होप जो भी इनका गाना देखेगा और हमारा गाना सुनेगा वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होगा। आप कैसे डिसाइड करती हैं कि कौन से आर्टिस्ट को कौन सा कॉस्ट्यूम देना चाहिए, और जब बात होती है गाने की तो हीरो और हीरोइन का जो वो रहता है कॉम्बिनेशन रहता है, ड्रेसेस चेंज रहती है, तो वो सारा कुछ कैसे प्लान आउट? सबसे पहले तो लोकेशंस होते हैं, हम जो किस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, गाने का मूड क्या है, सीक्वेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले तो हम लोग मूड बोर्ड पढ़ते हैं, गाने का सीन पढ़ते हैं, लोकेशन पढ़ते हैं, उसके अनुसार से फिर हम लोग कॉस्ट्यूम डिसाइड करते हैं। सो जैसे अगर कोई इंटीरियर सीन है तो उसके कॉस्ट्यूम इंटीरियर टाइप रखते हैं, अगर कोई आउटडोर शूट है तो इट इज़ ऑलवेज अ आउटडोर काइंड ऑफ शूट। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मूड एंड सॉन्ग परफेक्टली दैट वे, यस, एंड लोकेशन आल्सो। तो इश्क बहुत मीठा है के दौरान शालिनी जी के साथ आपका जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर आप बता रहे हैं कि डिफरेंट, तो कैसा एक कॉम्बिनेशन रहा, कैसा शूट के दौरान कैसा आपने फील किया? एक्चुअली सच बोलूँ सबको लगता है ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, पर मैं इनसे शूट के दौरान मिली, और मैं मिली थी तब मैं एक प्रोफेशनल वुमेन थी इनके साथ, और ये हम हमारी एक्टर थी, हमने प्रोफेशनलिज्म में इनसे ये किया था। पर जब मैं करने लगी ये प्रोजेक्ट, तो करते करते मैंने कभी मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। आज भी मैं कहीं और थी, सिर्फ और सिर्फ इनके बुलाने पर मैं आई, नहीं तो मैं इत पॉसिबल ही नहीं था जाना। तो ये जो लेडी है ना, ये जो एक्टर है ना, इनका ग्रो करना बनता है, और आई होप आप लोगों से भी प्रे करती हूँ प्लीज़ इनका गाना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये हमने बहुत प्यार से बनाई है, और जो हमारे एक्टर हैं ना वो डिजर्व करती हैं सॉन्ग को। शालिनी जी, जो कॉस्ट्यूम होता है चाहे वो फिल्म हो या सॉन्ग हो या वेब सीरीज हो, कुछ भी करें, या हम किसी पार्टी में भी जाएँ तो जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो बहुत मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है अगर हमारा कॉस्ट्यूम अच्छा है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्वाति जी के साथ? जैसे स्वाति ने बताया कि हम शूट पे ही मतलब शूट से पहले ही फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन आज आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा हम बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, क्योंकि स्वाति ने ही मुझे फ्रेंडली बिहेव किया, कभी नहीं उसने मुझे फील होने दिया कि वो डिज़ाइनर है या उसका रीज़न ये खुद है ये इतनी अच्छी हैं कि मैं क्या इनसे किसी को भी प्यार हो जाएगा। तो आपके लिए कुछ सजेशन रहे कॉस्ट्यूम में या सारे? नहीं नहीं, जो भी किया स्वाति ने किया, और आज मैंने जो वियर किया है वो भी स्वाति ने ही डिज़ाइन किया है, और जो हमारे गाने में है उसी का ये पार्ट है, और स्वाति ने ही मुझे बोला था कि आज ये पहन के आना, और वो सीरियसली बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, और अगर लोगों ने प्यार दिया मैं बहुत बड़ी एक्टर बनी तो भी हमेशा स्वाति मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइन करेगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी आप दोनों का साथ देखा जाएगा हमेशा, क्योंकि हम दोस्त हैं, हम प्रोफेशनली नहीं बैठे हैं आज, अगर स्वाति मेरे साथ बैठी है तो सिर्फ एज ए फ्रेंड बैठी है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। इनका इनका बड़प्पन है, नो यकीन मान के चलिए इनका बड़प्पन है, शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल आई एवर वर्क्ड विद, आई वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल द टॉप एक्टर फ्रॉम टीवी एटलीस्ट, पर मेरे मैं एक्टर्स में मेरी ये सबसे प्यारी एक्टर दोस्त है। थैंक यू।